सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्री ओन्ड XUV500। तो अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो उसकी सारी एक डिटेल्स मैंने वीडियो में बना रखी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वो XUV500 खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देखो। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि XUV500 खरीदने के फ़ायदे और क्यों आपको ये खरीदनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो XUV को लॉन्च हुए 2011 में लॉन्च हुई थी, तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी भी एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है महिंद्रा बहुत ज़्यादा। एंड पहला रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों इस पर जाना चाहिए वो है टेरिफिक वैल्यू फॉर मनी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक प्री ओन्ड कार के बारे में, क्योंकि XUV700 भी लॉन्च हो गई है, बट अभी फ़िलहाल XUV500 की लुक कई लोगों को पसंद है एंड वो भी काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप लग्जरी कार्स में या फिर प्री ओन्ड सेकेंड हैंड कार्स में जाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी डील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये एक गुड वैल्यू फॉर मनी आपको इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि XUV रेंज स्टार्ट होती थी 12.47 लाख से एंड गोज ऑल द वे अप टू ₹18.86 लाख। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट मेन राइवल हेक्सा, जो कि इसका एक मेन राइवल है। एंड सिमिलर प्राइस में आपको XUV ऑफर करता है एक सनरूफ, बेटर प्रेजेंस, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स एंड द ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक इन द AWD वेरिएंट। ये सारी चीज़ें आपको हेक्सा ऑफर नहीं करेगा, तो ये इसका एक चीज़ है। और अगर इसकी दूसरी चीज़ देखें क्रेटा, तो ₹9.29 लाख से वो स्टार्ट हो जाता है एंड 14.64 लाख तक जो जाता है, एंड विच इज़ मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट SUV हैपन्स टू प्राइस इन सेम प्राइस ब्रैकेट एज द XUV। तो अगर हम XUV को देखें तो इसमें भी XUV ज़्यादा बड़ी कार है, लार्जर है 7 सीट्स के साथ एंड AWD सिस्टम एंड मच मोर प्रेजेंस। दिस जस्ट जस्टिफाइज द फैक्ट दैट XUV इज मैसिवली वैल्यू फॉर मनी। तो XUV यहाँ पर भी जीतती है। एंड जो सेकेंड चीज़ आती है वो आती है इसका वाइड रेंज ऑन ऑफर। यहाँ पर आप अपनी नीड्स के हिसाब से XUV खरीद सकते हो। You can have a FWD which is front wheel drive, an AWD all wheel drive even on the lower variants, an automatic with either a FWD or AWD, and even a Delhi special. The Delhi special is the 1.99 liter diesel engine as opposed to the 2.2 liter which enables the company to keep costs low by not paying the penalty. The model on offer are the W4, W6, W6 automatic, W8, W8 automatic, W10, W10 automatic, W8 AWD, W10 AWD, W10 AWD automatic. तो ये सारी आपके नीड्स के हिसाब से आप फुलफिल कर सकते हो। जो भी आपको XUV लेनी हो आप यहाँ पे अपनी नीड्स के हिसाब से खरीद सकते हो। जो अलग चीज़ आती है इसमें, जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है इसका मोर प्रैक्टिकल है सेडान से। तो XUV के लॉन्च से ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो पहला लॉन्च हुआ था इसका, पहली बार जब ये आई थी तो पहले मंथ में ही 2500 से ज़्यादा यूनिट सेल करी गई थी। एंड कंपेयर दिस टू द कोरोला विच डज रफली 500 यूनिट्स नाउ अ डेज, द एलांट्रा डज अबाउट 400 एंड द ऑक्टाविया 200। ये एक मेन रीज़न है कि XUV की आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, हैज़ बेटर स्ट्रीट प्रेजेंस, इज़ मोर इम्पोजिंग एंड हैज़ फ्लेक्सिबल सीट, थर्ड रो भी आपको इसमें देखने को मिलता है और AWD ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि सेडान में आपको शायद देखने को ना मिले कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से ऑब्वियसली। एंड सिंस द इंडियन मार्केट इज़ मोर SUV सेंट्रिक, दिस प्लेज वेल इनटू हैंड्स ऑफ XUV। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आते हैं इसके टाइमली अपडेट्स। तो मैं आपको ये बताया था कि XUV को लॉन्च हुए जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड इसमें इन्होंने काफ़ी सारे वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करा, काफ़ी सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि XUV700 में भी ड्राइवर ड्राउजनेस सिस्टम वगैरह इन्होंने निकाला, काफ़ी सारे फीचर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि XUV अगर आप लोगे तो आपको सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे। दिस हैज़ एनेबल्ड द कंपनी टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। द XUV वॉज ऑलवेज मॉडर्न व्हेन इट केम टू फीचर्स, बट दिस अपडेट्स हैव हेल्प द कीप कस्टमर्स कमिंग इन। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं इसके, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो फीचर्स आप देखते हो सारे एंड जो अब XUV700 में आप देख रहे हो महिंद्रा में, तो अपडेट करते रहते हैं फीचर्स और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी कार चला रहे हो, सारे मॉडर्न फीचर्स आप इसमें देखोगे। एंड एक और जो इसका रीज़न है इसको खरीदने का वो है कि इट लुक शार्प आफ्टर ऑल द ईयर्स। द XUV हैज़ बीन मार्केट फॉर अ लॉन्ग ईयर्स नाउ एंड तब से लेके अब तक एक, मतलब आप देखोगे हेडलैम्प्स, बम्पर, टेल लैम्प्स, द ओवरऑल डिज़ाइन थीम कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम। डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा था XUV के इतने सालों में भी, बट तब भी ये बहुत ज़बरदस्त और इट स्टिल लुक फ्रेश, विच अ मैसिव टेस्टमेंट टू वे द व्हीकल हैज़ बीन डिज़ाइंड।
एक और जो चीज़ है वो है इसका हैज़ इनफ परफॉर्मेंस टू स्केयर मिड साइज सेडान्स। तो एक्सयूवी सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। इसका 2.2 लीटर एमहॉक इंजन जो आप देखोगे जो प्रोड्यूस करेगा 140 bhp और 330 nm। दिस कार मेक्स प्रीटी फास्ट एंड देयर आर कस्टमर हु हैव रिपोर्टेड दैट दे हैव मैनेज्ड टच द 200 kph मार्क विद द एक्सयूवी व्हाइल द कंपनी क्लेम्स दैट इट कैन क्रॉस अराउंड ओनली 170 kmph मार्क। और ये आप देखोगे 0-100 डिस्पैच कर देगी आपको 12.5 सेकंड्स में, जो कि इतनी बड़ी एसयूवी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। और अगर आप लोगों को ये कार खरीदनी है एक्सयूवी 500, इसके वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ आप वहाँ पर खरीद सकते हो। और मैंने जो एड्रेस है वहाँ का वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।